खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों भाइयों में दरार है या फिर क्या, ये लगता है कि ये क्योंकि आप देखिए अभी चुनावी मौसम है और बाजार में सिर्फ लालू एंड लालू फैमिली बिकता है। टीआरपी के लिए मीडिया में भी और नेता भी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं ये चुनाव मुद्दा विहीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके सहयोगी लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, आप मुद्दे पे आप करिए। परिवार बिल्कुल, आपने आज देख लिया जिस तरह से दोनों भाई साथ में केक काटे, मेरी माँ आई थी, हम आए थे, तो परिवार में कोई भी कहीं भी किसी तरह की बात नहीं है। परिवार बिल्कुल एकजुट है, एकता के साथ एकजुट है। और जहाँ तक रही हमने कहा कि मुद्दे की, और यही देखिए आप जो सत्ता सीन जो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ एक परिवार पे बात कर रही हूँ। तो मैं मीडिया के भाइयों से भी अनुरोध यही करूँगी कि कम से कम आप लोग जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को आप उठाएं, और इसमें कहीं कोई दम नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इफ बट नहीं है। लालू फैमिली पूरी तरह से एकजुट है, ना सिर्फ परिवार पार्टी। तेज प्रताप ने अलग मोर्चा बनाया था और अपने ही राजद के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात की। देखिए तेज प्रताप जी बहुत सारे मोर्चे बना चुके हैं, बहुत तमाम तरह के संगठन उन्होंने बनाए हैं। और ये आप जहाँ आप लालू या रावी की चर्चा करते हैं, तो ये क्या राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने खुद इसका जवाब दे दिया था मीडिया पे ही, मतलब टेलीविजन के ऊपर ही इसका जवाब दे दिया था। तो रावी देवी क्यों उनको बोल रहे हैं बेटा घर लौटाओ, लेकिन आखिर तेज प्रताप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब वो अपने घर में आया है, यहाँ रह रहा है और सब माँ चाहती है कि उसके बच्चे क्या इस पार्टी में। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्वतंत्र हो जाते हैं, वो अपना डिसीजन खुद लेने लगते हैं। क्या इस पार्टी में ऐश्वर्या राय की कमी खल रही है? राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनके क्षेत्र से काफी लोग आते हैं मिलने के लिए। और हमारे यहाँ क्योंकि 10 नंबर में आप देखिए बहुत लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ एक सिक्योरिटी सिस्टम है, इनके यहाँ बिल्कुल गेट खुला रहता है, इसलिए लोग आते हैं अपने उस क्षेत्र के लोगों के लिए। यहाँ लोग कह रहे हैं कि रियल आरजेडी यही तेज प्रताप के घर पे ही दिखता है। आरजेडी तेज प्रताप के घर पे दिखेगा, मीसा भारती के घर पे दिखेगा, रघुवंश प्रसाद सिंह के घर पे दिखेगा, जगदानंद सिंह के घर पे दिखेगा, सिद्दीकी जी के घर पे दिखेगा। रियल आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के एक एक सदस्य के तेज प्रताप के ससुराल वाले अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं आज की पार्टी में। देखिए ससुराल वाले बिल्कुल उनको आशीर्वाद दिया होगा, सारी बातें मीडिया में ही हो सकता है, उनको टेलीफोन ऐश्वर्या राय की कमी खल रही है बिल्कुल, वहाँ से उन्होंने हैप्पी बर्थडे जरूर बोला होगा, पूरी उम्मीद है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी की साजिश है कि दोनों भाइयों में लड़वाने की? देखिए फिर मैंने वही कहा कि मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ मैंने कहा कि उनके पास एक ही मुद्दा है, लालू जी और लालू जी का परिवार और लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। मैम हाल आई एक सवाल है कि अश्विनी चौबे ने हाल ही में राबड़ी देवी पे एक आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, विवादित बयान दिया था, उस पर क्या कहेंगी? देखिए एक तो बहुत ही घटिया बयान इन्होंने दिया, उस पर टिप्पणी करना नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँ। ये लोग सब आरएसएस के लोग, जब मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये महिलाओं के लिए उनके मन में बिल्कुल सम्मान नहीं है, सिर्फ पैर धोने के लिए महिलाओं का ये इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के बयान जो भी देते हैं एक पार्टी लाइन से ऊपर हट के, चाहे वो हमारे दल की नेत्री के लिए हो या किसी दल के नेत्री के लिए। मैं जयप्रदा जी के बारे में भी आजम खाजी ने कहा था, तो हमने उस पर भी टिप्पणी की थी कि महिलाओं के लिए कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। और इलेक्शन आप देखिए, एक तरफ आजम खां के लिए हाय तौबा मचा के रखी है बीजेपी ने, और इनके लिए चौबे जी के लिए क्यों नहीं हाय तौबा मचा रही है, जो कि मुख्यमंत्री रही हैं इस राज्य की, राबड़ी देवी जी, उनके लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग करना, तो ये कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और एक तरफ कहते हैं कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आप चुनाव प्रचार में कब जाएंगी? रोज जाती हूँ, अभी भी। लेकिन आप अपने क्षेत्र में ही जा रही हैं, लेकिन बाकी जिलों में, बाकी जगहों पे? सब जगह क्षेत्र में जा रही हूँ, और क्योंकि आप सबको पता है कि चुनाव मेरा लास्ट चरण में है, और पार्टी को जब जैसा लगेगा कि मेरी जरूरत है जिस लोकसभा पे, वहाँ पे हम जाएंगे। मैम लालू जी को कितना मिस कर रही हैं इस इलेक्शन में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक जैसे बेटी होने के नाते तो मिस कर ही रही हूँ, मैं एक प्रत्याशी होने के नाते और महागठबंधन के सारे लोग, और इनफैक्ट बिहार का
मीडिया सबसे ज्यादा लालू जी को मिस कर रहा है, ये आप बता दूं, और यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं भी बहुत मिस कर रहे हैं। वो जब आप एयरपोर्ट पे, मैं उनको देखती हूँ बयान देने, तो उनकी शुरू लालू जी से होती है। जब भाषण देते हैं तो सिर्फ लालू जी पे चर्चा करते हैं, उनके परिवार के बारे में कहते हैं, तो बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए ठीक, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा।